हाथ जोड़कर सारी सरदारी दूर दराज से आए गोती भाई यारे प्यारे रिश्तेदार सबको प्रणाम। आज जैसे आप सभी को पता है श्री माड़ाराम जी उनकी समर्थि में उनकी याद में देखिए ये बूढ़े जी गए इतने दिन आगे कौन है जी हुए ऐसी बीमारी ऐसा खान पान। और एक बात बताऊं सब तय समाज में सच बात है सब तस घटिया सौदा मारा है। बताऊं क्यों है जिसका भगवान ने एक दो किला दे रखा है दो चार किले दे रखे रहे वो दो भी गे बिना खात के आप अपने ताई क्यों नहीं बो सकता जिना अपने शरीर का कोई न्या तो होगा किसका हो कम से कम एक आधा किला बिना खात बीज का अपना बोले आप अपने क्यों आगा वो भी कोई ना लालच में बेशक मर जाओ रुपये चाहिए। एक रागनी में दादा की कि बोला जो अपने का भी ना होया तो किसका होगा फिर बता फिर वो कौन बेगा कुकर हो जाएगा। ये सच्चाई है जो जमींदार से भगवान ने जमीन दे रखी है तो एक किला बोले सोचरे घर घर का तो हो जाएगा और कहने बेच ले दादा न्यू कोई है पहला सुख निरोगी काया और वो रुपये जब मड्डी सीटी में गुड़गा में लगेंगे जबर उन्हें नहीं देखते। मेरे से पूर्व छोटे भाई ने सुनील ने बहुत ही बढ़िया आज के सटार कलाकार मारा था भाई वो दी एंड वाला सौदा हो रहा है फिल्म में नहीं दी एंड बहुत साल गाने का भी कारण है न्योनिकार धर्म की जड़ हरी हो है लक्ष्मी चंद धर्म का गाना समझे कोई अकलबंद सियाणा सतवीर महठवालिया पल्ले राम राज किशन वह हम पचास पचास साल क्यों गा गए हमने धर्म की सामाजिक रागनी गाई है जे उसी गांव है ना बग्गी में बैठ जा चबारे मा जा देव तई जा ले ऊपर जब ही तो कहते हैं धर्म की जड़ हरी होती। देखिए ये संसार है संसार स्त्रियां जैसे एक नदी का पानी पाछे तो पानी आए जागा आगे चलने जागा कितने जोड़ नहीं हो पानी में पाछे तो नए बालक आए जाएंगे बूढ़े चैनिया में जाए जाएंगे। इस प्रकार दादा ने कह भी रखा है पिता पृथ्वी वंश बढ़ावे इसमें नहीं लको से पहले मी बरसे धरती पे जीवन पैदा हो से पैदा सोना पैद जगत में नदी आली रोस है जैसे नदी की रो होती है ना नुपाए जा पाछे तो नए बालक आए जाएंगे रे आगे चलते जाएंगे बूढ़े। ये 84 का फेरा है सुबह टेलीविजन खोलोगे जब राशि बताऊंगे राशि आज न्यू होगा बेरा की शनि। आप सबको पता है कणपड़ ब्राह्मण हुआ है भाई इसकी थोड़ी इको कम कर दे जो साफ सुने अरिया गुंसी खत्म कर दे। भूत जा पाड़े हैं न्यू होगार और आजकल जो ये वोटाल हिन्न कतिनी विन की कसूती मीच रखी है लोगन सच्चाई है या पहले ये नफेर सब की यहाँ पर लिया करते आज ये बुड्ढी जाते वाले भी सब की यहाँ पर डरते किस गैल सर फड़वाओ भाई और अगले की न्यू मिच जहाँ भाई नाटता तो कोई ना कोई वो पीपी खोल रहे जे बेरा पाट है क्यों टेलीफोन पे ओ फलाना कौन है नफे कौन है तगर ताले दो फोन कर दे लिया भाई एक बोतल रहे आठ वोट अरे बग्गी पे चढ़ाई लाग रही है अगला भाज होगा सब दौरे ले ले हैं नफे ने बोलिया सरकार में कमी एक से मुगा के बोलिया दो महीने की तो कर ली इकट्ठी मां सरकार में क्या कमी है बोला इलेक्शन तीसरे महीने करवाने चाहिए इतने तीन महीने की जोड़ लिया इतने फिर इलेक्शन आ जाए। ये जीव कोई पूछा पाड़े जाओ दादा ने क्या बताया है कि वो जीव कहां से आता है और भाई वो जा से कि
ये स्वर्गीय माला राम जी कित गए हैं। लक्ष्मीचंद जिन जो नो का आते 100 साल आगे की बता करता। और पितर क्या होते हैं? पितर मारे बैठे बूढ़े माँ बाप दादा ये तो पितर से जै जीनते जी पानी या गिलास ना दोगे तो फिर तुम गोजे प्याओगा मरे पाजे थारा लाठी नहीं बैठाओगा फिर पितर तो नाराज होएंगे बा मुन्ने को पितर नाराज हो रहे हैं। अरे पितरा ने जीनते जी मना लो ने सेवा करो फिर पितर थारा भला करेंगे तो जीव कहाँ से आता है कहाँ जाता है। दादा ने ये कहा भाई ऊपर को एक ऐसी शक्ति है देखियो चर्च में गए हो उसका भी निशान नहीं ऊपर ने है। मुसलमानों की मस्जिद में जाओ उसका भी निशान ऊपर ने है गोविंद सी मारे मंदिरा में जाओ उसकी भी ऊपर ने है नू। तो कोई न कोई शक्ति ऐसी है जो इस सृष्टि को रोक रही पर भेरा की सनी है किसी वो और किस्म के आदमी हो जिन ने बेरा है। हम कहाँ से आए कहाँ जाएंगे? दादा ने बोला जग आवा मैंने ढूंढ ली कितने नहीं पाई यो तो आवागमन हैर कैसे बता। कित आए कित जाएंगे गमन कहे या बात समझ में आई ना कित आए कित जागे तो जगह ढूंढ ली पाई ना दुनिया आवा गमन कहे या बात समझ में आई ना कित आए कित जागे। अखबारा में न्यू आओगी और शहर की बहू के बिल 40 साल तो बालक ना होते एहसार तो बीदर वाले छोरा हो गया। इब थारे मत देख लो होशारे कौन कौन सा है। दादा ने बोला रे ऐसे सृष्टि ना चलती वो बीज तो भी ले आए होंगे कितने तो बीज कित आया है और वो बीज कित बोया जा है क्या कहा। जीव का बीज जीव में होता जीव में बोया जाता है जीव जीव का पिता बने और जीव जीव की माता है जीव जीव की रक्षा करता जीव जीव कोई खाता है जीव जीव से निर्मित होके पता नहीं कहाँ जाता है जीव जीव से निर्मित होके पता नहीं कहाँ जाता है। निराकार की गलती उस निराकार की के गलती जिन जीव की शक्ल बनाई ना कित जागे जगह ढूंढी पाई ना दुनिया आवा गमन कहे ये बात समझ में आई ना कित पे आए कित जागे ओ के गलती जी ने जीव की शक्ल बनाई ना जीव की कोई शक्ल नहीं
पशु में महेश में गल गया, महेश बन की आदमी में गल गया आदमी, पक्षी में गल गया वो जीव तो पक्षी बन गया। और जो एक सा सारा सौदा बना दे तो आप सारे से हो जाए जो सिलेंडर वागर सारे से पहचान में नहीं आओ। ये जाके राम जी 100 रुपये साहब का बड़ा बड़ा देना, ये सही राम जी मुशीपुर से 200 रुपये साहब का बड़ा धन्यवाद। ये बांस पदम से सरदारी सारी सरदारी 500 रुपये इनाम के देती हैं, बड़ा बड़ा धन्यवाद। ये राम निवास जी सलोदा से 100 रुपये साहब का धन्यवाद। ये कैप्टन अमीर सिंह सलोदा से कैप्टन साहब 500 रुपये साहब का बड़ा बड़ा धन्यवाद। सतपाल मिस्त्री जी जगपाल जगपाल मिस्त्री जी सलोदा से 200 रुपये और जिन्होंने नाम दिया उनका बड़ा बड़ा धन्यवाद। दूसरी कली में क्या कहा, जो यो जीव बनाया है 5 तत्व और 3 गुण, ये तत्व भी सारी जमीन में दगे। दादा की एक रागनी सुनी होगी, मट्टी के मां मट्टी मिलगी मिलगी पौन पौन के मां, किसका माली रह रो खाली कोई ना फूल चमन के मां। चाहे कोई जीव हो कोई धातु हो चाहे कितने हजार साल में वह उल्टी मट्टी बन जाएगी। देखिए एक दाना गिरते हैं मिट्टी में, 5 तत्वों से वो बड़ा होता है, पक है हम उन्हें खा हाँ, वो पचे है उसमें खून रज मत्ता और वीर्य बनता है, उस वीर्य से फिर एक बूंद उससे जीव बनता है। 100 साल तक को 50 साल 80 साल तक वो जीव रहता है, फिर आत्मा निकल के चली जाती है, उल्टा ही मट्टी मिल जाए। इसलिए दादा ने कहा कि मट्टी के मां मट्टी मिलगी मिलगी पवन पवन के मां, कैसे उत्पत्ति होती है कैसे। ओ एक गोरे गुफा में जन्म लिया यो, तन मिट्टी से बना दिया, 5 तत्व और 3 गुणों से तन का तंबू तना दिया, यातायात लगी तंबू में अक्सर अक्सर गड़ा दिया, फिर 184 भेज दिया यो, सारा झगड़ा सुना दिया, 184 भेज दिया यो, सारा झगड़ा सुना दिया, फिर रात दना फिर मारिया मारिया, रात दना फिर मारिया मारिया, पर होती मन की साई ना किनके आए भाई पवन 100 रुपये। रात देना फिर मारा मारा होती मन की चाहिए ना, जीव बना के भेज दिया। आदमी जब 100 साल 80 साल जी जा है फिर भी उसकी मन की चाहिए नहीं होती, नहीं सोचा न्यू और कर दिया पड़ोते और ब्याह जा उसने और कर दिया, और चक्कर काट कर चलाया जाता है।
और वो जीव यहाँ से जाता कैसे है? दादा ने बताई, जैसे ये पेड़ है, इस पेड़ पे कोई पक्षी बैठा है भाई। ये प्रकाश और पवन, 100-100 रुपये बड़ा धन्यवाद। हरपाल भाई गदाड़ौद से 50 रुपये बड़ा धन्यवाद। जिस प्रकार ये पेड़ है, इसके ऊपर कोई पक्षी बैठा है, वो पक्षी उड़ जाएगा, वो पेड़ यहीं रह जाएगा, आत्मा चली जाएगी और वो खोलाड़े रह जाएगा। चाहे उसने भाई फेर काबली की ग्राम गेर का फूक दो, चाहे चंदन की लकड़ी हम फूक दो, चाहे गाड़ दो। आड़े भी एक भजन है दादा का, जय प्रकाश सलोदा जी, 250 रुपये दोनों पार्टियों को 500 रुपये इनाम के देते हैं भाई जी का बड़ा बड़ा दिन। उसके ऊपर पक्षी बैठा बिना कति काले का, वो बिना पराए के भरे। देखे लोग अनपढ़ गए हैं दादा ने, बिना पराए के भरे उडारी, आत्मा के ना परोते ना हाथ पैर होते ना दिखाई देती, और चली जाओ उडारी भर दिया है। उस प्रभु ने पोता बोया बिन ही मूल डाले का, उसके ऊपर पक्षी बच्चा बहना कति काले का, वो बिना पराग भरे उडारी जा बंधन तोड़े जाले का, ओ मरण जीण में नाया ताजल अमृताले का, मरण चीण मैं चल पीरा अमृताले का। उस होनी ने बलवान कहे, उस होनी ने बलवान कहे, वा खप्पर भरनी थाई ना सेड़ा से साहब 500 रुपये बड़ा बड़ा धन्यवाद। ये नेहरूगढ़ की सरदारी 500 रुपये नाम के देते हैं, सारी सरदारी का बड़ा धन्यवाद। नाम भाई, भाई कोई बात ना, होका बनिया हो, आजकल तो होके बनिया कामयाब हो रहे हैं। भाई राम किशन 10 रुपये इनाम के देते हैं, बड़ा बड़ा धन्यवाद। देखिए इनाम और दान श्रद्धा से होता है, ऐसा नहीं। ये सतपाल भाई 100 रुपये बड़ा धन्यवाद। ये बन्ने भाई 100 रुपये बड़ा बड़ा धन्यवाद। होनी ने बलवान कहे, वा खप्पर भरनी थाई ना, को हादसा हो जा भाई, होनी बलवान हो,
दादा ने बोलिया इस प्रकार या जीव की उत्पत्ति होती है और उसकी शक्ति का किसी ने नहीं बेड़ा। ये भाई बिल्लू ढहीना से 551 रुपए भाई जी का बड़ा बड़ा धन्यवाद। उस शक्ति का किसनी बेराई बारे बच्चे आड़े गोड्डा पानी कर दे औड़े घेर दे आंधी चला दे और आधे सब कहने आदमी के औकात है उड़े केदारनाथ पद गए पहाड़ की प्यारा थे करते उसकी माया का किसे नहीं बेरा। अरे भाई फिर भी दादा ने बोला किसे का बैम रह रहा हो तब ले भाई बैम की फिर दवाई भी कोई ना मन ने भी टोली हुआ सारे के क्या कहा दादा ने। पल में परल होती है दृष्टि नाथ निरंजन की सदा जलती रहती जोती है। पल में चूरा करे पहाड़ का पल में सच्चा मोती है। पल में जल थल एक करे क्यों दुनिया जगड़े जोती है। पल में जल थल एक करे क्यों दुनिया जगड़े जोती है। फिर लक्ष्मी चंद भी फेरे टोंते लक्ष्मी चंद भी फेरे टोंते पर बहन की मिली दवाई ना लक्ष्मी चंद भी फिरे टोंते पर बहम की मिली दवाई ना। ये आदमी भोग भोगने आता है कोई औंते इन्हों के दिल में छेद हो गया तो ये भोग गए है ना उसने इससे पहले क्या कर दिया पैदा होते उसने क्या कर्म कर दिए जो उसने भुगतना पड़ रहा है। एक भजन सुनाता हूं कोई कर्म न बलवान बताओ है कोई भाग्य ने कोई समय ने। ये एक सादा सा कवि था उसकी रचना है जब छठी वाले दिन लोग आई गीत गावे देसी घी की जोत जलती रहती है। कई वो बालक देखे आपा पांसे जिमने को आ रही में बेमाता रही बताते हैं वो बेमाता के लेख लिख जाती है लोगों ऐसी कोई रबड़ नहीं बनी जो उस लेख ने मिटा दे वो हो करेगा। और पूरे प्रमाण दिए हैं प्रमाण वो भोगना पड़ेगा जो लिख रखा है चाहे कितना अंगा ला लियो। मिठे को ना हो बनेगी न्यू गई न्यू चक्की तो चक्कर काट रही हूं लिखा हो या पड़े भोगना सहे जतन बना ले बना ले क्या होया पड़ भोगना
पड़ा ले वेले कर्म तान टेना कितनी रोपड़ गे साले देखिए अपने दिल बहादुर के ऐसा हो सके एक राजा का छोरा मर जा और उस लड़के ने कफन रसीब नहीं हो, कफन के पैसे भी नहीं हो।